बसमीम आप प्रोग्राम देख रहे हैं सूरत हाल खालिद मिजीद और तज़ीन अख्तर के साथ नजीन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि मोटर वे में हम निकलना चाहते हैं हम चाहते हैं किसी और मौजू पर बात की जाए कोई और सवाल कोई और इशू किसी और जगह पर हम जाएँ लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर हमें दोबारा इसी तरफ उलझा दिया जाता है कभी मुजरमों के लिए पच्चीस पच्चीस लाख रुपये का इनाम रख दिया जाता है कभी ये कहा जाता है कि जी कानून बनाया जा रहा है कभी वज़ी अजम साहब की तरफ से और लोगों की तरफ़ से वसीम अक्रम प्लस साहब की तरफ़ से फिर आई जी साहब की माफ़ी आ जाती है और हकूमती अहलकार कहते हैं कि फांसी की सज़ा दी जाए लेकिन फांसी की सज़ा भी अपनी जगह पर रह जाती है एक नई सज़ा तजवीज़ हो जाती है उस सज़ा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सजीन अख्तर साहब से पूछते हैं सदीन साहब सजी ये जी, क्या होने जा रहा है कि फांसी की सज़ा तो ठीक है अब जो सजा तजवीज की जा रही है मुझे तो वो कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है मेरी तो शुरू से और इस हुकूमत के आने से पहले से भी ये राय है कि ये जो लोग हैं ये कोई संजीदा लोग नहीं हैं और ये अब हुकूमती लोगों को कह रहे हैं या कि वो जो मुजरमों को कह रहे हैं नहीं मुजरमों के की तो संजीदगी या गैर संजीदगी अच्छा को कह रहे हैं मतलब इसका मतलब आप भी वो जस्टिस गुलदार साहब की जबान बोल रहे हैं नहीं मैं अपनी ज़ुबान जस्टिस गुलजार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे जब मैं लिख रहा था कि ये गैर संजीदा लोग अच्छा ठीक हो गया जस्टिस साकब निसार साहब भी उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे जब मैं लिख रहा था कि इन तेलों में तेल नहीं अच्छा ठीक है और ये जस्टिस जा, रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब हैं ये भी उस वक्त चेयरमैन नैब नहीं थे जब मैं लिख रहा था कि इनकलाब इन लोगों से नहीं आएगा ठीक है ठीक है मेरे भाई बात यह है कि अब इन्होंने एक नया पंडोरा बक्स निकाल दिया है कि जी वो कैस्ट्रेशन यानी कि ऐसे मुजरम को मर्दाना सिफात से महरूम कर देना जी। ठीक है जी। इसके दुनिया में दो तरीके हैं एक तो सर्जिकली यानी कट ऑफ कर देना जी। दूसरा है केमिकली यानी आपको ऐसे वो केमिकल्स दें कि के आपकी ये मर्द की ये सलाहियत जो मर्दाना कुत है इंजेक्शन ठीक है अच्छा। इस तरह ये दो तरीके हैं अब बड़ी बदकिस्मती की बात है कि चलो आम लोग तो हैं वो तो बेचारे उनको दुख भी पहुंचा मुश्किल भी हुए उन्होंने इस पे बहुत सी बातें की सरे आम फांसी पे लटकाएं उनको गोली मार दें उनके टुकड़े टुकड़े कर दें वज़र अजम पाकिस्तान मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनका इंटरव्यू सुन के और उस पर बहुत से चैनल जो हैं उनको कापी भी करते रहे और जो इंटरव्यू कर रहा था वो बंदा भी डॉक्टर और पढ़ा लिखा ठीक है अब उसमें बात हो रही कैस्ट्रेशन 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 ठीक है बात यह है कि एक तो हमारे पास कुरान पाक की सूरत में इस्लामी सजा 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 जजा दोनों नमूना मौजूद है ठीक है उसमें एक तो ये है जिसमें दोनों कसूरवार हों तो उनको आप संसार कर ठीक है अच्छा अब आप ये कह रहे हैं जी के चूंकि कत्ल नहीं हुआ तो क्या इसकी फांसी बनती है तो इस पे भी मैं आज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की एक गुफ्तगु सुन रहा था उन्होंने कहा जी बिल्कुल बनती सजा कुराने पाक की रूह से दी जा सकती है ठीक है वैसे भी उसको संसारी को भी देखें ना तो वो जो दोनों मुजरम हैं, उन्होंने तो वो काम कर, कर दिया ना, उनको तो आप संसार कर सकते हैं ठीक है? अच्छा अब ये जो कैस्ट्रेशन है सोकार्ड ये एक नई ट्रक की बत्ती है जी। हालत ये है कि इनकी कोई हालत नहीं है और जो इनकी हालत है वो हमने पिछले प्रोग्रामों में बात की उसपे के ये वो बैठ गए सुबह के दोनों बड़े बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हम समझे हम समझे अभी इस नुकड़ से ये मुजरमों को निकाल के पेश करने वाले हैं और हाँ। उन्होंने कहा जी नहीं जी भाग गए हैं पच्चीस हाँ लाख का इनाम पे हमने बात की कि भाई पहले तो आप पकड़ने की कोशिश करते हैं ठीक है आपने अगले रोज ही पच्चीस लाख का इनाम इसका मतलब आप खुद एतराफ कर रहे हैं कि हम नाकाम हो गए हैं पकड़ने में और इतलात ऐसी भी हैं वजीर अजम इमरान खान जो है वो आई जी नईम गनी से पहले दिन ही पुरबाश हो गए ठीक अच्छा। है यानी इस वक्त कैफियत ये है कि लाहौर सूबाई दारो जो, जो सबसे बड़े पुलिस अफसर है वो फारग है ठीक है अमली तौर पर फारग है वो अखलाकी तौर पर फारग है वो सीटों पर बेशक बैठे हुए हैं ठीक है ये जो कैश स्टेशन है अब आप मुझे ये बताएं ये वज़ी अजम पाकिस्तान साहब अपने सारे वो मेडिकल डॉक्टर यासमी राशिद को भी बिठा लें और डॉक्टर वो फैसल सुल्तान जो हैं इनके मुशीर उनको भी बिठा लें और मुझे ये बताएं कि कैस्ट्रेशन से क्या मसला हल होगा मसलन आप से के ओके पार्लियामेंट ने पास कर दिया हो गया आपने इन दोनों को कर दिया ठीक है अब आप मुझे बताएं इस हालत में ये चलो रेप तो नहीं कर सकते लेकिन क्या ये डाका भी नहीं डाल सकते नहीं सर यहाँ पे एक और एक और और बात बनती है है। ना, चीज भी आप ये चाह रहे हैं कि जी ये होना है, तो आपने फौरी कुछ भी नहीं किया उठा के उनको किसी जेल में किसी थाने में किसी जगह हवालात में बंद किया है हमारे यहाँ तो सिस्टम इतना खराब है टेलीफोन चलता है मुजरिम जो है वो रातों रात जो है वो माफी मांगने पे मुलम वो रात को देखे ना वो, देखे वो तो, आप सही कह रहे हैं कि वो चलता है और रात राथ को एक एम पी ए का शोहर जिसका अपना कोई वो सरकारी कोई अहद पता नहीं उनके पास है या नहीं है क्या भी है वो एक जज को मारता है और सुबह जो है वो जज कहता है जी कुछ भी नहीं हो रहा मतलब उसकी बाकी बातें बात की हैं जिसको बयान देना चाहिए उसने कोई बयान नहीं दिया खातून जो है हर जगह हमें नजर आ रही हैं तो क्या होता सजा होगी किसी को इस तरह फांसी की सजा तो फिर ये है कि जी फौरी तौर पे लटका दें हम तो ये चाहते हैं मैं, तो... मैं इसी, इसी तरफ जा, जा रहा था देखें सवाल ये है कि लेट से के पार्लिमेंट ने कर दिया कौम भी मुतफ़ हो गई आपने इन दोनों मुजरमों को केमिकली या सर्जिकली आपने उनको कैस्ट्रेट कर दिया ठीक है सिफार से महरूम कर दिया ओके okay. अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इसके बाद वो डाका नहीं डाल सकता, सकता डाल है। है। सकता है क्या वो किसी को गोली नहीं मार सकता मार सकता, मार सकता है, है। राज नहीं करेगा छुरा नहीं मार सकता मार सकता है ठीक है तो ये एक अजीब सा आप कह रहे हैं भाई ये करने से क्या होगा करना क्या है उनको अंजाम तक पहुंचाना है और अंजाम जो है वो पूरी कौम बता रही है वो अंजाम है उनको टर्मिनेट कर दो ठीक है मेरा ख्याल है कि जो मुजरिमान सोच है ना जी जी मुजरिम मुजरिम उनके अंदर एक सोच है जो इस तरह के काम करवाती है चोरी कर लो डाका डाल दो फलां अकेला हाँ। जा रहा है, लूट लो, ये खातून अकेली है इसके साथ जाती कर दो हमें उस सोच को सजा देनी है जी हाँ हमारी डिमांड जो है उस सोच की डिमांड है उस सोच उन... को खत्म करना ये हौसला शिकनी करनी है अब एक तो ये बात है कि क्या कैस्टरेट किया गया बंदा जो है वो कत्ल भी कर सकता है डाका भी डाल सकता है वो चोरी भी कर सकता है हुआ भी कर सकता है सब कुछ कर सकता है वो बम भी रख सकता है तो फिर आप ये इस मामले को सही लपेट रहे हैं मंतकी जाम तक पहुंचा रहे हैं या आप इसको मजीद खराब देखें मजीद खराब ये इस तरह होगा कि फिर हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी कि फला शहर में सीरियल किलिंग शुरू हो गई है खातिन की ठीक है कि कोई नाम मालूम मुलजम है वो औरतों को अगवा करता है और फिर औरत की कटी फटी लाश जो है तशद जदा लाश जो है वो हमें मिलती है ठीक है इसके ऊपर दुनिया में काम हो रहा है हमारे वजीर अजम को नहीं पता है, उनके मशीरों को नहीं पता तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई नई निकाल के लाए हैं वो गिदर सिंह देखें इंडिया में एक फिल्म बन चुकी है जी। उस फिल्म में ऐसा ही एक मुखनस होता है ठीक है वो सिफात से महरूम वो हर रात बंबई की एक गर्ल को बुक करता है ठीक है मैं वैसे ये जो मेरेट करना क्या जो करना करना क्या पड़ रहा है ये हमें कन्वे करने के लिए बात को समझाने के लिए वरना ये मौजूद हमारा पसंदीदा नहीं है तो वो उसको ला के अपने डेरे पे तो उसको तशद कर करके अजीयत पहुंचा पहुंचा के उसको जान से मार देता है बिल्कुल ठीक है वो ये क्यों करता है क्योंकि वो उसके साथ जो है वो दूसरा काम नहीं कर सकता सही ठीक है तो ये जो कैस्ट्रेशन का आपने शुरू किया ना ये अगर आपने कर लिया तो फिर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि रेप किया औरत और को छोड़ दिया ऐसा होगा कि रेप नहीं होगा लेकिन औरत को कतल भी होगी कतल भी होगा वो भी होगा अच्छा इसमें और मैं जो समझा हूँ बात एक छोटी सी ब्रेक ना ले लें ये जी ले एक छोटी सी ब्रेक ले, 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 ले लेते हैं इसके बाद मैं बढ़िया अहम बात करने का हाँ मतलब अहम बात है बीच में से इशारा आ जाएगा तो हम वो अहम बातें जो हैं ब्रेक के बात करते हैं ना दिन छोटी सी ब्रेक लेते बहुत हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस केस के हवाले से भी हमारे पास हैं देखते रहिए सूरत हाल वेलकम बैक हाल खालिद मजीद और तजीन अख्तर के साथ हम बहुत अहम मौजू पे बात कर रहे हैं और इस वक्त एक अहम नुकता जो तज़ीन अख्तर साहब बताने लगे हैं वो सुनते हैं जी तज़ीन पहले हाँ। आप बात बताइए जी हाँ आ, बात यह है कि ये है सजाए मौत वाला सीधा सीधा ठीक है और संगीन जुर्म है सब कुछ उन्होंने इकदाम कत्ल भी इसमें आता है ना सिर्फ रेप नहीं आता और पूरी कौम का भी मुतालबा है और वो बंदा पहले भी ये कर चुका है अब ये फांसी से हट के ये इस तरह की शुरलियाँ छोड़ रहे हैं ठीक है वजीर अजम पाकिस्तान का ये काम ही नहीं है कि वो इस किस्म की बातें टी वी चैनल पर आके करे उसका कोई सैकड़ उन्होंने रखे हुए हैं ना इस काम के लिए वो पंजाब में भी हैं एक साहब और इधर भी दो तीन हैं कुछ बाहर से लेके आए हुए हैं ये तो उनसे करवा लेना बातें खुद क्यों ये बातें कर रहे हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है बात ये है वैसे मैं, मैं आपस की बात है उनके किसी बात का सर पैर तो आपको मिला मैं, है मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये फांसी को और सरेआम फांसी को ये अवॉइड करना चाह रहे हैं ठीक है देखें जो आपका है ना इंटरनेशनल एक ये आप वो जो वो प्लस वाला क्या था यूरोपियन यूनियन का तो जिसमें इनको रियायतें मिली हुई हैं यूरोप में वो ट्रेड की रियायतें होती हैं उसमें एक बड़ी अहम शर्त है कि आप अपने मुल्क में से फांसी ख़त्म करेंगे सजाए मौत ख़त्म करेंगे ठीक है ठीक है यूरोप के बहुत से मुल्कों में सजाए मौत ख़त्म की जा चुकी है और इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन जो है वो बहुत बार मुजाकर भी कर चुकी है पाकिस्तान के साथ माजी में पाकिस्तान उनको टालता रहा है कि हम ए, एक यूनिक हालात हैं हमारे क्योंकि हमारे यहाँ दहशत गर्दी है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इस तरह की वारदातें हैं लिहाजा हम सजाए मौत ख़त्म नहीं कर सकते ठीक है? है तो इस पर इन्होंने कुछ टाइम मार्जिन ले लिया था अब फाटिफ पे भी यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर भी ए, इनकी पोजीशन खराब जा रही है तो ये जीएस जीएसपी जो जीएसपी उसका नाम है जीएसपी प्लस जो यूरोपीय यूनियन की रियाती स्कीम है और उसके तहत जब वो हमें मिला था तो ए, एक साल में यूरोपीय यूनियन को हमारी जो बरामदात हैं उनमें एक अरब डॉलर इजाफा हुआ था अच्छा ठीक है तो इसलिए वो भी हमारे लिए बड़ा अहम है और उसकी बेसिक शर्त है कि सजाए मौत ख़त्म करो मैं ये समझता हूँ कि ये सजाए मौत की का जो मुतालबा आ रहा है हर तरफ से ये इसको टालने के चक्कर में है और ये फांसी की बजाय ये चाहते हैं कि हम इसको इस जो इश्त्याल है और ये जो गमो ग़ुस्सा है इसका रुख हम किसी और तरफ मोड़ दें ये इस चक्कर में है यकीन इनकी ये कोशिश नाकाम होगी और अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि इनाम गनी साहब हों या शेख उमर साहब हों इनको वही पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी अब मैं एक और बड़ी अहम बात जी इनको वही पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी आने वाले चंद दिनों में आप देख लेंगे जो शहबाज शरीफ ने अपनाई थी हम हमारे सामने की बात है मैं उन दिनों लाहौर में खबरें अखबार का न्यूज़ एडिटर था उस वक्त ये शहबाज शरीफ साहब के पिछले दौर की बात है ठीक है ये छियानवे स्तानवे की लाहौर में ऐसे वाकयात शुरू हो गए के डाका भी पड़ा है हाँ जी। और साथ रेप भी हुआ है ठीक है ठीक है मेरा ख्याल है पिछले प्रोग्राम में मैंने थोड़ा सा तस्करा किया था इसका तो शहबाज शरीफ साहब ने क्लियर आर्डर कर दिए थे पुलिस को कि आपको यकीन हो जाए मुतासरा फैमिली जो है वो बस शनाख्त कर, कर ले कि यही मुलम है तो आप उनको ले कर जाओ और ठा 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 कर दो ठीक है और इस ठा ठा की वजह से लाहौर तवील अरसे तक फिर वहाँ पर सुकून रहा था मुझे ये नज़र आ रहा है कि अल्टीमेटली इनाम गनी साहब और शेख उमर साहब अगर ये अपनी सीटों पर रह गए क्योंकि जो इन्होंने इन आठ सितंबर के बाद ये जो 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 इन्होंने मतलब काम किए हैं जिस तरह के उसके बाद ख़ुद ख़ान साहब जो हैं इमरान ख़ान साहब वो भी वैसे सोच रहे हैं कि ये बंदे जो हैं ये इस सर्विस के काबिल भी हैं कि नहीं इनको अल्टीमेटली उधर जाना पड़ेगा यानी ठा 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 मेरे पास एक और नुकता है वो नुकता ये है कल से ये जो बात हो रही है कि जी ये सजा तजवीज़ असम्बली ने मान ली और अप्रूव हो गई ये होनी चाहिए हमारा वो बच्चा जिसको अभी ये नहीं पता लेकिन उसको अखबार पढ़ना आ गई जिसको अभी ये नहीं पता और उसने वो खबरनामा लिया वो इंटरव्यू से बात निकल गई उसको इधर से पता चल गया उधर सोशल माँ से बहन से, 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 से जी बिल्कुर, हाँ, बिल्कुर। वो सवाल कर रहा है उसका जवाब कौन देगा बिल्कुल मुझे इमरान खान साहब देंगे आप देखिए हम इखलाकी कदरों के पाबंद लोग हैं जहां पे हम बैठे हैं आप एक एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कि जी आपका बेटा चाहे वो नौ साल का है दस साल का है ग्यारह साल का है आठ साल का है यार आप बातें कर रहे हैं मेरे यार मैं ऐसी सोचता हूं मेरे, मेरे अजीज हो सकता है कि वो चाहते ये हों कि ये इस माशरे में इंतजार फैले ये तो एक सादा सी बात है ना कि यार इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए ठीक है हो सकता है कि उनका मकसद ही वो हो जिससे हम डर रहे हैं कि बच्चे उठ हम के हमसे पूछे कि इस मुआरे में जो है वो बक बक शुरू हो जाए ये मुआरा जो है तबाह हो जाए यहाँ पे बच्चा जो है बाप के सामने खड़ा हो जाए बेटी कहे अब्बा जी तुम मेरा ब्याह नहीं करना मैं खुद अपनी पसंद मैं करना चली है। हाँ। कर दो तो मेहरबानी नहीं, नहीं, नहीं तो मैंने कर तो लेनी आ, है आप सेन माइंड में ये बातें कर रहे हैं आप जो हमारा रिवायती एक कल्चर है उसमें रह के ये सवाल कर रहे हैं हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि उनका मकसद ही ये काम करवाना हो ताकि ये जो माशरा ये अभी तक कोई थोड़ा सा जो इसका हुसन बाकी अभी है, है, है। मतलब इस वाक्य के बावजूद जी ठीक है ऐसी मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं कि जब खातून गाड़ी में बस में सवार होती है सीट नहीं है तो दो चार नौजवान या बंदे वो खुद खड़े खड़े इधर बैठ आप जाएं। बैठ जाए बिल्कुल ऐसे ही है इसी तरह आप तजर्बा करके देख लें ना आप इस्लामाबाद के नवाह में चले जाएं किसी बहुत रश वाली जगह भी ना हो बेश वहाँ पे आप फैमिली एक को खड़ा कर दें आप गाड़ी जो है वो बोनट खोल दे ठीक है लाजमी दो चार जो है मोटरसाइकिल वाले भी और राहगीर भी वो रुक के वो रुकेंगे मदद करने के लिए बिल्कुल ठीक है लूटने के लिए नहीं, नहीं। मदद के लिए ज्यादा लोग अब भी अच्छे हैं हम बात करते हैं एक सेन माइंड से भाई हाँ। ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मुझे डर ये है कि ये ऐसी बातें कर ही इसलिए रहे हैं कि इस सोसाइटी को जो है मुंतशर किया जाए सोसाइटी खराब हो जाए सोसाइटी बिखर जाए देखें जो हमारी यूनिटी है ना हाँ। ए, 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 अपने कम्युनिटी की यूनिटी वो डिस्टर्ब हो रही है मैं जो ये जो एकदम रिएक्ट करता हूँ ना किसी बात पे और पर कूल डाउन कूल डाउन कराते आब, हैं देखें बा, बातें बहुत तलख बातें हैं, हैं हकीकत ठीक है अब मिस्टर ए जो है उसका अपना घर खराब है हाँ जी ठीक है वो उसका अपना घर चल ही नहीं पाता जी। वो कभी यूं करता है कभी तू करता है ठीक है और सौ बातें हैं मिस्टर घर की ठीक है तो वो चाहेगा कि भाई मेरे ऊपर इतराजा उठते हैं क्या ही अच्छा हो के और घर भी ऐसे हो जाए ताकि मुझे कोई बुरा कहने वाली ना रहे ठीक है ये भी इसका एक पहलू है तो मैं तो ये अभी बैठे बैठे ना मैं तो उन्हें हजरत मंटो साहब कहता हूँ उन्होंने बहुत पहले जो है ना नब्ज पे हाथ रखा था मंटो से किसी ने पूछा ना कि जी मुल्क का क्या हाल है तो मंटो आ, ने पता नहीं कब कहा था उसने कहा था जी कि बिल्कुल जेल वाला जेल, जेल। जहाँ पे फ्राडिया अजान देता है चोर जो है वो इमामत करा देता है और जितने 302 वाले और फलाने फलाने जितने लोग हैं वो बीच न... में से तकबीर पढ़ने वाला का जेब कतरा जो है वो तकबीर है।, और बाकी सारे जो है वो निमाज पढ़ लेते हैं तो तो सारे चोर लुटेरे जो हैं वो मुक्तदी हाँ जी मुक्तदी यानी नमाज नमाज पढ़ लेते हैं तो ये कहीं हमारा वही कोई माशरा तो नहीं बनता जा रहा है बात जो है मेरे भाई मैंने कर दी है बहुत बड़ी बात भी कर दी है बहुत बात तो आपने बड़ी कर दी मैं और थोड़ा तो सा और बात यही है कि जब सारा कुछ जो आपको क्लियर हो गया ठीक है वो बंदा पेश रफाकत पेश हुआ तो खातून ने उसको पहचानने से अच्छा इनकार एक किया। यहाँ पे एक और चीज है उसने तो वो दूसरा जो मुजरिम पेश हुआ है उसने अपने आप को पेश करने के बाद उसने तो अपने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है अब हम क्या करें वो वकार ने किया है ना हाँ जी वकार को इन्होंने नाम लिया था अच्छा उसमें भी इनकी देखें पेशा वाराना नाहली की सबसे बड़ी मिसाल अब मुझे भी पता है आपको भी पता है कि हमने मतलब हमारे ये कैमरा मैन दोस्त हैं इनको हमने कोई घेरना है किसी काम में ठीक है तो हम उसका ऐलान करेंगे पहले घेरने के लिए या हम वो छुप के करेंगे काम ठीक है खुफिया रखेंगे भाई आप ने अगर ट्रेस कर लिया था कि ये आबद और वकार है ठीक है तो आपने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीरें जारी कर दी उनकी उसकी आबदे न रिलीज कर दी, दी अलर्ट कर दिया अच्छा वकार जो है वकार ने जब अपनी तस्वीर देखी मीडिया में अब वो चूंकि बेकसूर था और वो था अभी के मोहल्ले में ये हम बात कर चुके हैं ये भी नाहली की बड़ी मिसाल है इनकी तो वो पेश हो गया हो ठीक है कि मैं तो हूं ही नहीं अच्छा उसका नाम इन्होंने इस तरह लिया था मैं दूसरी तरफ आ रहा वकार के पास एक सिम थी, जो के ये जो ये अभी पे इन्होंने पकड़ा है ना शफकत ठीक है वो इसके पास थी ठीक है अच्छा तो वकार की जो सिम है वो उसकी उसकी वेयर अबाउट जो है वो वहां का आ रहा था लेकिन वो चूंकि उसके पास थी शफकत के लिहाजा वकार ने जब पेश हो के कहा कि मैं तो वहाँ पे था भी नहीं और मैं इसमें शामिल भी नहीं हूँ और मेरा आके सरेंडर करना खुद जो है ये भी साबित करता है वो साबित हो गया खातून ने भी उसको पहचाना नहीं है तो वो उस सिम की वजह से वो शिफकत शफकत पकड़ा गया और शफकत ने इतराफ़े जुर्म कर लिया ठीक है।, है अब है। शवकत ने इतराफ़े जुर्म कर लिया एक मुलम और वो कोई ये नामी बता रहे हैं आबद जो है वो इनमें सबसे जो है वो ज़्यादा मतलब वो इनका हेडमे जा रहा है ठीक है जो कि इनसे फरार हो गया ये भी नाहली की बड़ी मिसाल है इनको तो डूब मरना चाहिए था अब तक शर्म से तो ये स, सब बातें वाजह हैं अब आप बताएँ भाई पार्लियामेंट आपकी अदालतें भी मौजूद हैं, अदालतें देख रही हैं पूरी कौन का रद्द अमल भी देख रही हैं, अदालतों ने यह भी देख लिया कि ये हुआ क्या है लिहाजा आप चलान बनाएं अदालत में पेश करें ठीक है उनसे कहें जी फौरी इसका आप अदालत खुद ही में उसकी करें, तारीखें तो डालनी इसमें बनती कोई नहीं है ठीक है तो आप अदालत से फैसला लें जब वो अदालत फैसला दे देती है आप उस पर इंप्लीमेंट करें ये क्या बीच में आप ट्रक की बत्तियां नहीं कैस्ट्रेशन और सर्जिकल और ये और वो ये बिल्कुल फजूल बातें आप करें। करने वाला काम ये कोई नहीं कर ठीक है आप एक पकड़ा गया ना उसको करें चलान हाँ जी और उसको सजा सजा दे दे फौरी ना ये तो के अंदर अंदर आप हाँ जी। अब उसने पे एतराफ कर लिया खातून ने पहचान लिया उसका साबित हो गया अब आप और क्या उसको आपने कोई मतलब कोर्स करवाना है जेल में रख के उसको कोई अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करनी है उसको आप सजा दे फौरी तौर पर ताकि इबरत हो और औरत के ऊपर वो जो आता है ना जिसको ये अवॉइड करना चाह रहे हैं ये ये कर, इबरत का जो आता है ये कुरान पाक भी कहता अल्ला ताला का भी हुकम है अल्लाह भी हुक्म है कि भाई मुजरम को आप सजा दो तो चंद जो कुछ मोमिन जो है यानी आबादी से जो मोजीन हैं उनको उनके सामने दो ताकि सबको इबरत हो सब देखें और सबको इबरत हो इसको ये रोकना एक तो जो मंतकी की सजा है मौत उसको ये अवॉइड करना चाह रहे हैं हाँ दूसरा आम हाँ 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 को अवॉइड करना चाह रहे हैं नदीन बातें बहुत हैं अभी लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है हालांकि हमने बात करनी थी बच्चों को स्कूल खुलने के हवाले से हमने बात करनी थी ये जो इस मसाइल के लेकिन ये और मसलों के लिए हमें जाने ही नहीं दिए जा रहा कि इस एक केस में रोज़ाना एक नया इबाम जो है हमारे सामने आ जाता है मिलते हैं फिर सूरत हाल में देखते रहिए तज़ीन अख्तर और खालिद मजीद के साथ सूरत हाल